पहला सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है और पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जाएगा गॉडजिला वर्सेस समिया में देखने को मिलेगा ये मैच। और देखते हैं कौन सा प्लेयर ये मैच जीतने में कामयाब होता है। शुरुआत हो चुकी है क्योंकि टाइमर खत्म हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के करीब बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और डेजर्ट ईगल से कौन यहाँ पर हेडशॉट कनेक्ट करने में कामयाब होता है। ग्लूवॉल का इस्तेमाल दोनों की जानिब से किया जा रहा है और गॉडजिला भी शॉट लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सभी सेफ रखते हुए अपने आप को रोटेशन पूरी की जा रही है। पीछे की तरफ हटे और इस बार भी शॉट नहीं लग पाया। मौका अच्छा था लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं हुआ दोनों की जानिब से। और देखते हैं क्या यहाँ पर समी पहला राउंड लेके जाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर गॉडजिला पहला राउंड लेके जाने में कामयाब हो पाते हैं। ग्लूवॉल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेफ रखने में कामयाब दोनों ही प्लेयर्स। वेट किया जा रहा है दोनों की जानिब से और अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रोटेशन दी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा जगह को सीज किया जा रहा है। इस बार बॉडी शॉट कनेक्ट हुआ दोनों की जानिब से और ज़्यादा एचपी में सभी की जाती हुई नजर आ रही है, जबकि गॉडज़िला थोड़ा बहुत अपने आप को सेव रखते हैं। हेडशॉट लगाया गया इस बार समी की जानिब से और पहल की गई है। पहला किल भी अपने नाम करके और पहला राउंड भी अपने नाम करते हैं क्योंकि किल कंफर्म हुआ है हेडशॉट के साथ। अगर हेडशॉट के साथ ना हुआ होता तो ये राउंड समी को नहीं मिल पाता, लेकिन पहला जो कि खाता है वो खोला गया है समी की तरफ से। अब दूसरा राउंड स्टार्ट होगा जिसमें M18 पिक की जा चुकी है समी की जानिब से और अगर सामने की तरफ देखा जाए गॉडजिला, देखते हैं कौन सा वेपन वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल है डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल ही किया जाएगा उनकी जानिब से और टाइमर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्लेयर्स एक दूसरे के करीब बढ़ते हुए नजर आएंगे। ग्लूवॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। गॉडजिला के पास डेजर्ट ईगल मौजूद है, बिल्कुल डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सभी सामने की तरफ से M18 पिक करके करीब पहुंच चुके हैं। शॉट लगाने की कोशिश, ग्लूवॉल का इस्तेमाल किया गया, ग्लूवॉल हटाई जा चुकी है और दोबारा से बेट स्टार्ट हो चुका है। दोबारा से ग्लूवॉल का इस्तेमाल गॉडजिला की तरफ से किया जा चुका है। समी रोटेशन, ओ शॉट इस बार उतना ही अच्छा जवाब दिया गया पिछले राउंड के वन टैप का, इस राउंड में दिया गया है जवाब वो भी डेजर्ट ईगल से ही। हेडशॉट कनेक्ट करके अपना किल भी अपने नाम करते हैं और गॉडजिला भी राउंड्स को बराबरी में लाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक एक से गेम बराबर हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स ने एक एक हेडशॉट कनेक्ट करने के साथ साथ एक एक किल अपने नाम किया है, जिसकी वजह से अब मुकाबला बराबरी पे आ चुका है दोबारा से। तो अब देखते हैं कि इस राउंड में कौन बाजी लेके ज्यादा में कामयाब हो पाता है। तीसरा राउंड है और दो राउंड में मुकाबला अभी तक एक एक के साथ दिखाई दिया जा रहा है। अगर वेपन की बात की जाए तो M18 मौजूद है गॉडजिला के पास के लिए और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो M10 का इस्तेमाल करते हुए समी नजर आएंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन किल कन्फर्म करने में कामयाब हो पाता है। डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल गॉडजिला की जानब से किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है और समी भी रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे। शॉट लगाने की कोशिश गॉडजिला की जानब से लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। हल्का फुल्का डैमेज देने में समी कामयाब हुए, जबकि गॉडजिला बहुत ही तगड़ा डैमेज देने में कामयाब हो चुके हैं। ओह हेडशॉट इस बार हुआ कनेक्ट, हेडशॉट गॉडजिला की तरफ से और दूसरा राउंड दूसरा किल हेडशॉट के साथ अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं गॉडजिला और साथ ही समी को यहाँ पे कमबैक करना पड़ेगा मुकाबले को बराबरी पे लाने के लिए और देखते हैं क्या वो उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। और बिल्कुल यहाँ पर अगर राउंड्स की बात की जाए तो दो राउंड जीते जा चुके हैं गॉडजिला की तरफ से और स्टार्ट हो चुका है चौथा मैच, चौथा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और चौथे राउंड में देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। एक किल अभी तक के लिए समी के पास मौजूद है, दो किल्स मौजूद है गॉडजिला के पास। तेजी के साथ एक दूसरे के करीब बढ़ते हुए नजर आएंगे और फाइट का फैसला बिल्कुल किया जा चुका है। ग्लूवॉल का इस्तेमाल दोनों ही जानिब से किया जा चुका है। शॉट लगाया गया समी की तरफ से, ग्लूवॉल का इस्तेमाल किया गया गॉडजिला की तरफ से। इस बार शॉट लगाने की कोशिश और कोई फायदा हासिल नहीं हो पाया, जगह को बंद करके रखा हुआ है हर तरफ से और सभी रश करने के लिए तैयार है, अटैक करने के लिए इंतजार में है। स्पॉट किया, शॉट नहीं लग पाया। डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल किया जा रहा है गॉडजिला की तरफ से और समी M18 लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर समी की जानिब से कमबैक होता हुआ नजर आएगा या फिर गॉडजिला ये बाजी अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। समी को रूम नहीं मिल पाया, करीब नहीं आ पा रहे लेकिन कोशिश काफी की जा रही है और गॉडजिला की तरफ से डेजर्ट ईगल का जो एक इजी हेडशॉट है वो कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है और क्योंकि मौका नहीं मिल पा रहा समी की तरफ से, बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे, अपने आप को कवर में रखकर खेल रहे हैं। इस बार दोनों ही तरफ से बहुत तगड़ा शॉट
बहुत ही हैवी शॉट लगता है जिसमें गॉडज़िला की एचपी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, लेकिन समी फिर भी अपनी अच्छी एचपी हेल्थ में मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा रोका गया गेम को, मैडकिट्स का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से किया जा चुका है, ग्लोवस का इस्तेमाल किया जा चुका है और दोबारा से अब मुकाबला बढ़ता हुआ नजर आएगा। शॉट लगाने की कोशिश की गई गॉडज़िला की तरफ से लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हो पाया और बार बार ग्लोवल का इस्तेमाल करके अपने आप को सेव करने में कामयाब। अभी भी दोनों ही तरफ से कोशिश तो जारी है लेकिन शॉट नहीं लग पा रहे, लेकिन गॉडज़िला हल्का फुल्का डैमेज देने में कामयाब जरूर हो चुके हैं समी को और समी अपनी हेल्थ को पूरा करने में कामयाब हो रहा है, जो कि के कैरेक्टर का यूज उनके लिए फायदा दिलाता हुआ उनको नजर आ रहा है। और गॉडज़िला अभी वहीं पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे, समी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश, अगेन ग्लोवल का सवाल, अगेन शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया और दोनों ही प्लेयर्स अभी भी हेल्थ पे सेफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे की तरफ हटने की कोशिश की जा रही है गॉडज़िला की तरफ से, समी सामने की तरफ निकल कर आए, दोबारा शॉट कनेक्ट नहीं हुआ मौका इस बार, और इस बार बहुत ही तगड़ा डैमेज देने में कामयाब भी हो चुके हैं समी। नीचे की तरफ जा चुके हैं, ओह शॉट लगाया, दोनों ही तरफ से हेड शॉट लगे थे लेकिन समी जो कि एच पी में ज्यादा मौजूद थे इस वजह से वो बच गए, लेकिन गॉडज़िला जो कि काफी लो हो चुके थे उनको बहुत ही जबरदस्त डैमेज झेलना पड़ा और समी भी कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मुकाबले को बराबरी पे ला चुके हैं, 2-2 के साथ गेम और राउंड्स और किल्स भी बराबर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से लीड कौन उठाएगा, अब यहां से कौन सा प्लेयर जो है वो किल बढ़ाने में कामयाब हो पाता है देखना पड़ेगा। अभी के लिए 2 किल्स के साथ गॉडज़िला और 2 किल के साथ ही समी, और दोनों जो किल है दोनों प्लेयर्स के पास वो हेडशॉट के साथ है, यानी कि मैच बराबरी पे है, क्योंकि हेडशॉट के साथ जो भी प्लेयर शुरू के 4 किल्स कन्फर्म करने में कामयाब होगा मैच उसके अंक में जाता हुआ नजर आएगा। वो आगे की तरफ बढ़ने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे, गॉडज़िला भी वेट कर रहे हैं और साथ ही समी भी उनके सामने ही मौजूद, ग्लोवल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों प्लेयर्स और अपने आप को सेफ भी रखते हुए कामयाबी के साथ नजर आ रहे हैं दोनों प्लेयर्स। इस बार मौका मिल सकता था गॉडज़िला को लेकिन गॉडज़िला ने भी काफी देर कर दी और समी बहुत तेजी के साथ ग्लोवल लगाकर अपने आप को सेफ रखने में कामयाब, M18 का यूज दोनों प्लेयर्स करते हुए नजर आएंगे और साथ डेजर्ट ईगल भी मौजूद है, शॉट कनेक्ट हुआ, गॉडज़िला को हल्का फुल्का डैमेज देने में कामयाब हुए हैं समी लेकिन कोई खास फायदा नजर नहीं आया और ग्लोवल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेफ रखा जा रहा है। समी की तरफ से भी ग्लोवल का इस्तेमाल किया गया, गॉडज़िला भी रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे, काफी लो हो चुके हैं दोनों प्लेयर्स की हेल्थ कम है लेकिन क्योंकि के कैरेक्टर मौजूद है वो आपको हेल्थ दिलाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक तो एक्टिवेट नहीं किया गया था, अब एक्टिवेट किया जा चुका है समी की तरफ से, जो कि अब हेल्थ पूरी हो जाएगी तेजी के साथ। और गॉडज़िला भी ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए बार बार जगह को तब्दील कर रहे हैं, समी उनकी तलाश में है, ग्लू वॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, शॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मौका नहीं मिल पाया अभी तक के लिए। और इस बार एक बार और ग्लू वॉल लगाई गई है, मौका मौजूद, क्या समी यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर पाएंगे, क्या गॉडज़िला शॉट कनेक्ट कर पाएंगे, इस बार भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया गया, सामने की तरफ से निकल कर आया, शॉट लगाया, इस बार समी ने हेड शॉट कनेक्ट कर ही डाला और किल भी अपने नाम कर बैठे हैं और साथ ही लीड हासिल कर चुके हैं, 3 राउंड जीतने में कामयाब हो चुके हैं और 3 किल्स हेड शॉट के साथ कंफर्म कर चुके हैं समी, जबकि गॉडज़िला 2 राउंड्स पे और 2 किल्स के साथ ठहरे हुए हैं। बहुत ही तगड़ा कमबैक करना पड़ेगा, समी को 1 ही किल चाहिए हेडशॉट के साथ और गॉडज़िला को 2 किल्स कंफर्म करने हेडशॉट के साथ अगर ये मैच अपने नाम करना है। और बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है और राउंड 6 जो कि स्टार्ट हो चुका है इस राउंड में कौन सा प्लेयर आगे बढ़ के किल कंफर्म करेगा, गॉडज़िला को कमबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देखते हैं क्या वो उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जैसे के साथ आगे की तरफ निकल कर आए, ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया, ओ हो ज़िला गॉडज़िला यहाँ पर शॉट कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया ना करते हुए किल अपने नाम करके मैच को बराबरी पे लेकर आ चुके हैं। और अगर राउंड किल्स सभी 3-3 के साथ बराबर हैं, हेडशॉट ही हेडशॉट पे किल नजर आए हैं, बॉडी शॉट पे कोई किल अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैच भी बराबरी पे चल रहा है, क्या ही धुआंधार सेमीफाइनल चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि किल्स तो करने हैं वो भी हेडशॉट पे करने हैं, उसमें भी बराबरी नजर आ रही है। और
अगर वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही प्लेयर्स सेम टीम के प्लेयर्स हैं, यानी गॉडजिला और समी, जो कि दोनों ही प्लेयर्स डेमन प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं इस वक्त भी। लेकिन आपस में मुकाबला अगर देख रहे हैं, हम अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें मैच बराबरी पे नजर आ रहा है। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है दोनों ही प्लेयर्स की जानब से, पुल से चेयर की जा चुकी है और दोबारा से रोटेशन और स्पीड यहां पर दिखाना शुरू कर दी गई है दोनों प्लेयर्स की जानिब से। ग्लू वॉल का इस्तेमाल, शॉट लगाने की कोशिश, कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। दोनों प्लेयर्स वेट करते हुए नजर आएंगे। इस बार भी ग्लू वॉल का इस्तेमाल करके अपने आप को सेफ रखा जा रहा है, बार बार जगह को तब्दील किया जा रहा है। समी भी काफी अच्छी रोटेशन और पोजिशन को तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में गॉडजिला भी उतनी तेज स्पीड के साथ ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोजिशन को बार बार चेंज करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन यहाँ पर बाजी लेके जाएगा? एक ही शॉट के मेहमान दोनों प्लेयर्स एक ही किल के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। जो यहाँ पर ये किल कंफर्म करेगा उसके साथ नेक्स्ट मैच जो कि उसका होगा फाइनल में हम एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ से ये सेमीफाइनल बहुत धुआंधार, बहुत ही खतरनाक सेमीफाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के ही मैच राउंड बराबर है, किल बराबर है। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है रश करने की कोशिश, सभी शॉट एट शॉट डेजर्ट ईगल के साथ गॉडजिला ने ये किल अपना कंफर्म किया और अपने चार हेडशॉट के किल कंफर्म करने के साथ पहला सेमीफाइनल गॉडजिला जीतने में कामयाब, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं अब इस इवेंट के फाइनल के लिए। सेकेंड सेमीफाइनल की बात की जाए, स्टार्ट हो चुका है जो कि खेला जाएगा कोयटा वर्सेस काय। डीमन स्प्राइट से कोयटा और हाउसहोल्डर से काय एक दूसरे के मध्य मुकाबले मौजूद है। यहाँ पर देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा इस मैच के अंदर और ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर काय जो कि डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मध्य मुकाबले मौजूद है कोयटा जो कि बिल्कुल मौजूद है डेजर्ट ईगल के साथ ही। और डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कौन यहाँ पे बाजी लेके जाता है। एक दूसरे के करीब बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है, काई भी साहब की तरफ से पहुंचने में कामयाब। कोयटा के पास डेजर्ट ईगल मौजूद, वेट किया जा रहा है। ओ मौका ही नहीं दिया गया काई को सामने की तरफ निकल कर आने का और कोयटा यहाँ पर हेडशॉट कनेक्ट करके ये राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। पहला किल अपने नाम करते हैं कोयटा और पहला राउंड भी जीतने में कामयाब हो चुके हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और सेकंड राउंड जो कि खेला जाएगा दोबारा से ही, अगर वेपन की बात करें तो M18 का यूज़ किया जाएगा कोयटा की जानिब से। और सामने की तरफ अगर बात की जाए काय की, जो कि M10 का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल काय और सामने की तरफ से कोयटा एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आएंगे और देखते हैं किस तरह से मुकाबला करने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल तेजी के साथ एक दूसरे की रुख पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। M10 का इस्तेमाल करते हुए काय मुकाबला बढ़ाएंगे और ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है दोनों की तरफ से ही, पोजिशन शेयर की जा चुकी है। शॉट लगाने की कोशिश, कोई फायदा हासिल नहीं हो पाया। M18 मौजूद है यहाँ पर, कोयटा शॉट को लगाया काय को, लेकिन खुद भी अपने आप को सेफ रखने में कामयाब। काय की जानिब से कमबैक करने की कोशिश की जा रही है, काफी लो हो चुके हैं और यहाँ से किल कन्फर्म किया जा चुका है। लेकिन नहीं, किल कन्फर्म नहीं दिया गया, उनको मौका दिया गया कि आप हेल्थ पूरी कर लें फिर हम मुकाबले को बढ़ाते हैं। और काय ने भी अपनी हेल्थ पूरी कर ली है और अब काय बाहर की तरफ निकल कर आएंगे। M18 का इस्तेमाल किया जा रहा है काय की जानिब से, और M10 का इस्तेमाल किया जा रहा है काय की जानिब से, और M18 का इस्तेमाल किया जा रहा है कोयटा की जानिब से। ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए जगह को स्टक किया गया है, बिल्कुल बार बार पोजीशन खोलने की कोशिश की जा रही है कोयटा। ओ हेडशॉट लगाया गया काय की तरफ से और मुकाबले को बराबरी पे भी लाने में कामयाब हो चुके हैं, जो कि काय एक राउंड अपने नाम करने में कामयाब और साथ ही एक किल जो कि कोयटा के पास भी मौजूद है। तो अब देखते हैं लीड को कौन बढ़ाता है। जो भी प्लेयर ऑब्वियस सी बात है चार किल कंफर्म कर जाएगा हेडशॉट के साथ वो मैच को अपने नाम कर जाएगा, ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं। और पहला सेमीफाइनल भी बहुत ही धमाकेदार हुआ, मुकाबला बहुत सख्त था क्योंकि तीनों किल्स जो है वो दो दो प्लेयर, दोनों प्लेयर्स के तीन तीन किल्स कंफर्म हो चुके थे, बराबर हो चुके थे, इक्वल पे थे। और उसके बाद आखिरी वक्तों में गॉडजिला जो कि पहला सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हुए। अब सेकेंड सेमीफाइनल जिसमें दोनों ही प्लेयर्स के किल्स दोबारा से बराबरी पे नजर आ रहे हैं और क्या ये मैच भी उतना ही खतरनाक होगा। ओ शॉट लगाया लेकिन किल कंफर्म नहीं कर पाए और अपने आप को सेव रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं कोयटा, जो कि हेल्थ पूरी करेंगे अंदर की तरफ मौजूद है। ग्लू वॉल्स में खुद को पैक किया गया है और काय की जानिब से भी मेडकिट का इस्तेमाल किया जा चुका है
दोबारा से ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए जगह को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सामने की तरफ से कोयटा भी वेट करते हुए है, क्या यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर पाएंगे। कोयटा दोबारा से ग्लू वॉल लगाई गई और यहाँ से भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ से भी ग्लू वॉल का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। आमने सामने आ चुके हैं, शॉट कनेक्ट हुआ, इस बार भी डैमेज कोई खास नजर नहीं आया, लेकिन डेसर्ट ईगल का हेडशॉट काय को पड़ता है, जो कि कोयटा इससे पहले भी डेजर्ट ईगल के बहुत ही अच्छे जलवे दिखा चुके हैं और शॉट कनेक्ट करके अपना दूसरा किल और अपना दूसरा राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। कोयटा और काय को अगर देखा जाए, जो कि अब कमबैक कर सकते हैं, क्या वो करने में कामयाब हो पाएंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अब वेपन की अगर हम बात करें तो M10 और M18 और डेजर्ट ईगल मौजूद है कोयटा के पास, जबकि काय M10 का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल रिलोड की जा चुकी है। ग्लू वॉल के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोयटा भी ऊपर की तरफ पहुंचने में कामयाब, एक दूसरे के आमने सामने आया, शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन ग्लू वॉल इस्तेमाल की जा चुकी है। हल्का फुल्का डैमेज दिया गया कोयटा को काय की जानब से और कोयटा अभी तक डैमेज देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। ग्लू वॉल का इस्तेमाल रोटेशन को चेंज किया, बार बार तब्दील करते हुए नीचे की तरफ गिर चुके हैं कोयटा और मौका दिया जाएगा या फिर किल कंफर्म किया जाएगा। काय ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ पहुंचे, कोयटा भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओ सही मौका नहीं मिल पाया, ओ इस बार लगाया शॉट, पलट के हेड शॉट लगाया और काय को ये राउंड भी जीतने का मौका मिला। इसी के साथ मैच होता है बराबर, यानी कि दो दो राउंड्स, दो दो खेल्स के साथ दोनों प्लेयर्स बराबरी पर चल रहे हैं। कौन बाजी लेके जाएगा? क्या ये सेमीफाइनल भी हमें 3-3 पे होता हुआ नजर आ सकता है? वेट किया जा रहा है अभी के लिए, सही वक्त का जो है वो इंतजार किया जा रहा है और देखते हैं कौन सा प्लेयर कामयाब हो पाता है यहाँ पर लीड को बढ़ाने में। ओके जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पांचवा राउंड स्टार्ट हो चुका है और अभी जगह तलाश की जा रही है, सही जो कि फाइट के लिए स्पेस है वो तलाश की जा रही है दोनों प्लेयर्स की जानिब से। अब फैसला हो चुका है कि यहाँ पर हम फाइट करेंगे। M10, दो दो M10 इस्तेमाल की जा रही है काय की जानिब से, जबकि कोयटा जो कि अभी के लिए अगर देखा जाए तो M18 का यूज करते हुए नजर आएंगे। शॉट लगाया काय को, काफी लो किया, लेकिन खुद भी काफी लो हो चुके हैं, जो कि काय का शॉट भी कनेक्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स हील करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को एंट्री करने की कोशिश की जा रही है। कोयटा फौरन से बाहर की तरफ आए, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अपनी गन को रिलोड करते हुए काय आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कोयटा वेट जारी, ग्लू वॉल का इस्तेमाल, दोनों ही सेफ है अभी तक के लिए, हेल्थ पे पूरे नजर आ रहे हैं। ये कैरेक्टर भी काम आता है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही मेडकिट का इस्तेमाल भी करने में कामयाब हुए थे। इस बार भी शॉट कनेक्ट करते हैं कोयटा, काफी तगड़ा डैमेज दिया गया काय को और अपने आप को सेफ रखते हुए काय नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ से ग्लू वॉल का सवाल करते हुए आगे निकलने की कोशिश की जाएगी, कोयटा भी इंतजार करते हुए नजर आएंगे। M10 का यूज दोनों ही जानिब से बहुत ही अच्छी तरीके से, शॉट इस बार भी लगा, कोयटा को मौका नहीं मिल पा रहा और काय यहाँ पर बहुत ज्यादा लो करने में कामयाब हो चुके हैं कोयटा को। कोयटा बैटमिंटन का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ निकल कर आएंगे और काय उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। गन भी रिलोड की जा चुकी है, ग्लू वॉल भी इस्तेमाल की जा चुकी है। ओपन एरिया में एक बार और शॉट कनेक्ट हुआ, लेकिन कोयटा अभी भी सेफ है। इस बार हुआ हेडशॉट कनेक्ट और जाते जाते भी हेडशॉट लगाने में कामयाब रहे काय, क्योंकि मुझे कहीं कहीं फील हो रहा था कि बॉडी शॉट पे ये कहानी खत्म हो रही है, ये राउंड बॉडी शॉट पे जा रहा है, लेकिन हेडशॉट आखिरी वक्तों पे कनेक्ट करते हैं काय और ये राउंड भी और ये किल भी अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। और कोयटा अब क्या उस तरफ से कमबैक आएगा कोयटा की जानिब से, क्या वो इस मैच को 3-3 पे बराबर करेंगे, क्योंकि अभी के लिए काय 3 राउंड्स और 3 किल्स अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि कोयटा 2 राउंड्स और 2 किल्स पे ठहरे हुए नजर आ रहे हैं। कमबैक करना जरूरी है कोयटा के लिए और देखते हैं काय ये मौका उनको देते हैं या नहीं देते। तेजी के साथ एक दूसरे के करीब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों ही जानिब से, बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। शॉट लगाया गया, दोनों ही तरफ से डैमेज भी दिया गया, दोनों की हेल्थ बराबरी से कम होती हुई नजर आई है। कोयटा भी ये कैरेक्टर का यूज करते हुए हेल्थ पूरी करने में कामयाब हो रहे हैं। ओ एक और शॉट कनेक्ट हुआ, काय काफी लो हो चुके हैं और कोयटा इस चीज का बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा शॉट और क्या यहाँ पर शॉट कनेक्ट होगा, मौका था लेकिन सही वक्त पे
ब्लू बॉल इस्तेमाल की गई काय की जानिब से भी, और काय पलट के यहाँ पर शॉट लगाने की कोशिश, कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। दोबारा से ब्लू बॉल लगाई गई है, दोबारा से ग्लू बॉल का इस्तेमाल किया गया। कोयटा भी साहब की तरफ से वेट करते हुए नजर आएंगे और काई भी उनके करीब बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, हेडशॉट, इस बार भी हेडशॉट कनेक्ट करने में कामयाब। काई अपना चौथा किल भी कंफर्म कर चुके हैं हेडशॉट के साथ, यानी कि ये सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हो चुके हैं चोबी काय, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। और फाइनल में हमें मुकाबला किसका देखने को मिल रहा है? हमें मुकाबला देखने को मिलेगा हाउस ऑफ ब्लड काय और डीमन स्प्राइट के गॉडज़िला का। फाइनल मैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, जो कि खेला जा रहा है काय वर्सेस गॉडज़िला, और टाइमर बिल्कुल खत्म होने पर नजर आएगा। बिल्कुल टाइमर खत्म हो चुका है, एक दूसरे के करीब बढ़ने की कोशिश की जाएगी गॉडज़िला और काय। अगेन बताते चले कि जो भी प्लेयर पहले चार हेडशॉट कनेक्ट करके किल कंफर्म करने में कामयाब हो जाएगा, मैच उसके नाम होता हुआ नजर आएगा। और फाइनल है जो कि काय वर्सेस गॉडज़िला, हम एंजॉय करेंगे। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से किया जाएगा। कौन यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने में कामयाब हो पाएगा, देखते हैं। वेट किया जा रहा है, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, अपने आप को सेव रखा गया काय की तरफ से, और गॉडज़िला भी अपने आप को सेव रखने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ग्लू वॉल का इस्तेमाल, सेव रखने की कोशिश, लेकिन रश किया जा रहा है। काय तलाश तो कर रहे थे लेकिन गॉडज़िला उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए नजर आए, और दोबारा से ग्लू वॉल लगा ली गई है। वेट किया जाएगा, अगेन ग्लू वॉल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, और बार बार जगह को बंद किया जा रहा है, मौका नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। इस बार भी शॉट कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए, ये मौका अच्छा था, ये मौका अच्छा था। शॉट, ओ हो, जंप शॉट के साथ हेड शॉट कनेक्ट करके काय यहाँ पर अपना खाता खोल चुके हैं। पहला किल कंफर्म किया जा चुका है काय की तरफ से हेड शॉट के साथ, और शुरुआत काफी अच्छी रही है काय की तरफ से, जो कि फाइनल में पहला किल कंफर्म कर चुके हैं हेडशॉट के साथ, और पहला राउंड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। गॉडज़िला की तरफ से क्या कमबैक नजर आएगा देखते हैं, और क्योंकि वो भी अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए हैं, और डेजर्ट ईगल ही उनकी जानिब से दोबारा से यूज की जाएगी। और काय की तरफ से अगर देखा जाए तो M10 का इस्तेमाल किया जा रहा है, तेजी के साथ एक दूसरे के सामने ही आते हुए नजर आएंगे। ग्लू वॉल का इस्तेमाल दोनों की तरफ से किया जा चुका है, और डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल करते हुए करीब जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सामने की तरफ से M10 मौजूद है काय के हाथों में। देखते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छे तरीके से बैट को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाते हैं इस तरह के वेपन्स के साथ। और गॉडज़िला जो कि अभी तक के लिए वेट पे नजर आएंगे, और काय उनको तलाश करते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास M10 मौजूद है, और गॉडज़िला के पास डेजर्ट ईगल मौजूद है। इस बात का अंदाजा हो चुका है काय को, वेपन देख चुके हैं। शॉट लगाया गया लेकिन दोनों ही प्लेयर्स की HP कोई खास कम होती हुई नजर नहीं आई। एक बार फिर से अगर लोकेशन की बात की जाए, बार बार पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जोन भी काफी करीब आ चुका है, और अब फाइट को ऊपर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर गॉडज़िला ऊपर की तरफ पहुंचने में कामयाब हो चुका है, काई भी उनको ऊपर की तरफ जाके ज्वाइन करेंगे। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया गया, वेट किया जा रहा है गॉडज़िला की तरफ से, इस बार भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया। M10 का यूज करते हुए नजर आएंगे काय, और गॉडज़िला उनके आमने सामने ही मौजूद है। ओ शॉट, एक और हेडशॉट, एक और किल कंफर्म करते हैं काय, और गॉडज़िला क्योंकि वेपन मौजूद नहीं था इस वजह से इस बार भी मौका नहीं मिल पाया, लेकिन लीड जा रही है काय के हाथों में। दो राउंड जीत चुके हैं, और दोनों ही राउंड के किल्स कंफर्म किए गए हैं उनकी जानिब से हेडशॉट के साथ, यानी लीड उनके पास मौजूद है। गॉडज़िला को कमबैक करना पड़ेगा, अगर कमबैक नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फाइनल उनके हाथ से छिन सकता है। स्किल्स की बात की जाए, काय हयातों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में के कैरेक्टर और कैली और साथ ही कैरिन का यूज करते हुए नजर आएंगे। और गॉडज़िला की बात की जाए तो गॉडज़िला हयातो, कैली और साथ में के, और बिल्कुल एंटोनियो का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो कि उनको एक्स्ट्रा HP मैच की शुरुआत में ही दे देता है। इन
इंतजार जारी है दोनों की तरफ से ही, और आसमान को देखते हुए नजर आएंगे गॉडज़िला। अब यहाँ पर फुटबॉल इस्तेमाल कर चुके हैं और फाइट स्टार्ट हो चुकी है, दूसरे के ऊपर अटैक किया जाएगा दोनों की जानिब से, लेकिन बाजी कौन लेके जाएगा। M18 का इस्तेमाल किया जा रहा है गॉडज़िला की तरफ से, जबकि काय यहाँ पर M10 का यूज करते हुए नजर आएंगे, और पहले यहाँ पर कौन डैमेज देने में कामयाब होता है। बहुत ज्यादा वेट, ओ हो काय एक और हेडशॉट कनेक्ट करके एक तरीके से इस मैच को अपने नाम कर चुके हैं। एक ही राउंड की दूरी पे नजर आ रहे हैं, एक ही किल की दूरी पे नजर आ रहे हैं। अगर अब गॉडज़िला कमबैक नहीं करते तो बहुत देर हो जाएगी और ये मैच हाथ से निकल जाएगा। ये आखिरी चांस है, ये आखिरी मौका है, कमबैक की बहुत अच्छी जरूरत है गॉडज़िला को, और देखते हैं क्या गॉडज़िला कमबैक करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। काय जो के 3 राउंड जीत चुके हैं, 3 ही राउंड हुए हैं और तीनों उन्होंने जीते हैं, और तीनों किल्स ही हेडशॉट के साथ कंफर्म करने में कामयाब हुए, इसी वजह से ये राउंड भी सक्सेसफुली उनके नाम हुए। अगर बॉडी शॉट पर किल होते तो हम इस राउंड को काउंट नहीं करते, लेकिन अभी के लिए लीड काय के पास ही मौजूद है। गॉडज़िला को कमबैक करने की जरूरत है, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के आमने सामने पहुंचने में कामयाब, और गॉडज़िला भी ग्लू वॉल इस्तेमाल कर चुके हैं। पोजिशन शेयर की जा चुकी है, फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और देखते हैं ये राउंड इस राउंड में बाजी कौन लेकर जाएगा, कौन अपने नाम करेगा इस राउंड को। ओह काय नीचे की तरफ गिर चुके हैं, काफी ज्यादा रोटेशन ली गई, काफी ज्यादा पोजीशन को तेजी के साथ चेंज करने की कोशिश में नीचे की तरफ पांव फिसल चुका है, गिर चुके हैं और ऊपर की तरफ जाके दोबारा से फाइट को ज्वाइन करेंगे, जो कि ऊपर वेट कर रहे हैं गॉडज़िला। ओ शॉट लगाया जा सकता था, ये मौका बहुत ही अच्छा था, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं होने दिया गया। ग्लू वॉल लगा ली गई काय की जानिब से, इस बार लगता है शॉट, लेकिन कोई खास डैमेज नजर नहीं आया और काय अपने आप को सेव करने में फिलहाल के लिए कामयाब, और गॉडज़िला भी वेट करते हुए नजर आएंगे और वो भी अपने आप को सेव रखने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कमबैक की बहुत ही अच्छा जरूरत है गॉडज़िला को यहाँ पर, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ग्लू वॉल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेव रखने में कामयाब। अब बाहर की तरफ जाना पड़ेगा और ग्लू वॉल के साथ ही आगे की तरफ आए, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, इस बार भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया काय। ओ इस बार हुआ शॉट कनेक्टेड शॉट, गॉडज़िला का फाइनली कमबैक आ रहा है और एक राउंड एक किल अपने नाम करते हैं गॉडज़िला। और काय को थोड़ा सा रोका गया है, उनको बताया गया है कि ये फाइनल है और इतनी आसानी से आप अपने नाम नहीं कर सकते इस फाइनल को, और काफी अच्छा कमबैक हो सकता है अगर यहां से मजीद और राउंड्स भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं गॉडज़िला। लेकिन क्या काय उनको मौका देंगे, क्या काय उनको जीतने देंगे, अभी के लिए टाइमर का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर टाइमर यानी काउंटडाउन खत्म हो चुका है, एक दूसरे के सामने बढ़ते हुए नजर आएंगे दोनों ही प्लेयर्स, और फिर देखते हैं किस तरीके से मुकाबला करते हैं एक दूसरे का। बुलाया जा रहा है काय को गॉडज़िला की जानिब से, और काय भी उनके कॉल पे बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप वहां नहीं बल्कि इस तरफ आ जाए, हम यहाँ पर फाइट करते हैं, यहाँ का एरिया उनको ज्यादा पसंद आया। और ग्लू वॉल लगा ली गई है काय की तरफ से, और गॉडज़िला भी ग्लू वॉल के साथ ही आगे पहुंच चुके हैं, साथ ही अगर जोन की बात किया तो जोन भी चलना स्टार्ट हो चुका है गॉडज़िला। ओ हो, ये तो शुरू होते ही खत्म कर दिया गया है गॉडज़िला की जानिब से, हेडशॉट कनेक्ट किया गया और एक और राउंड जीतने में कामयाब हो चुके हैं गॉडज़िला, जबकि काय को एक ही राउंड जीतना था। अब उनके उनकी तरफ से भी ये गेम हल्का हल्का दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि गॉडज़िला ने ही पॉसिबल किया है, और अब देखते हैं क्या इस बार भी गॉडज़िला ये राउंड जीतने में कामयाब होते हैं या फिर काय ये राउंड जीतने में कामयाब हो जाते हैं और इस मैच को, इस फाइनल मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अगर वेपन की बात की जाए तो गॉडज़िला की जानिब से एक M1887 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि काय भी एक ही M1887 लेकर उनके करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। नीचे की तरफ बुलाया जा रहा है गॉडज़िला की जानिब से काय को कि यहाँ पर हम नीचे की तरफ फाइट को कंटिन्यू करते हैं। ग्लू वॉल लगा ली गई है दोनों ही तरफ से, एक दूसरे के आमने सामने आने की कोशिश की जाएगी, गॉडज़िला बाहर की तरफ निकल कर आएंगे। ओ हेडशॉट लगाकर ये राउंड और ये फाइनल मैच अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं HOB काय।